take a fresh period, write their syllabus. Take a fresh period and write their syllabus. Chapter 1, yeah, module 1, you can say traffic engineering. Chapter 1 or module 1, you can say traffic engineering. Okay. चैप्टर टू या मॉड्यूल नहीं उसी के अंदर चैप्टर टू इसके अंदर मॉड्यूल वन में चैप्टर टू ट्रैफिक स्टडीज स्लैश सर्वे ट्रैफिक स्टडीज और स्लैश सर्वे ट्रैफिक स्टडीज और सर्वे चैप्टर थ्री एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग Application of statical method in traffic engineering. Chapter 4, Highway Geometrics and Parking System. Chapter 4, Highway geometrics and parking system. Okay. Chapter five. Highway capacity and introduction to theory of traffic flow. Highway capacity and introduction to theory of traffic flow. Highway capacity and introduction to theory of traffic flow. Chapter 4. Last chapter kaun sa hua tha? 5 hua tha na, correct? Hello. Yes, sir. ओके कितना होता चैप्टर नंबर कितना होता लास्ट फाइव ओके चैप्टर सिक्स ये हो गया हाईवे कैपेसिटी इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ट्रैफिक फ्लो ओके नेक्स्ट चैप्टर हाईवे सेफ्टी ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट से स्लाइटली नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर सिक्स ना यस और नो ओके नेक्स्ट चैप्टर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस नेक्स्ट चैप्टर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस नेक्स्ट transportation planning next chapter transportation planning next chapter transport economics transportation planning ke baad likho transport economics
टोटल कितने चैप्टर हुए? एनी वन ऑफ यू कितने चैप्टर हुए टोटल? एट हुए, ओके डन। इतने चैप्टर से और एक चैप्टर बढ़ जाएगा, मैंने लिखा नहीं नाम, बट नौ चैप्टर में टोटल, बराबर। तो टोटल चैप्टर जो हुए अपने एट और नाइन, ओके ठीक है, नाइन हुए, डन। अब आगे बढ़ूंगा मैं, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, बराबर, दैट इज ट्रैफिक कैरेक्टर, रोड ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। If I'm talking about traffic characteristics, तो उसके अंदर दो characteristics आएंगे। First one, road user characteristics, और दूसरा vehicular track characteristics। तो हम दोनों characteristics को details में भी study करेंगे। Okay? Okay, nine है, done। एक chapter और हो जाएगा add, तो ten हो जाएगा, याद रखना। Okay। So we are starting with our first chapter, that is traffic characteristics, बराबर। So if I am talking about traffic characteristics, बच्चा, बराबर, अगर मैं traffic characteristics की बात कर रहा हूँ, देखो ये traffic characteristics की बात कर रहा हूँ, तो I can classify, बराबर, into two categories. Take a fresh pen and write that traffic characteristics, बराबर। Take a fresh pen and write that traffic characteristics. तो मैं traffic characteristics की बात करूँ, तो I can classify it into two categories. First one, road, बराबर, रोड नहीं, वेहिकुलर, बराबर, व्हीकल्स की ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वेहिकुलर, बराबर। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकता हूं मैं, उसको नाम बोल सकता हूं मैं क्या, यूजर, यूजर, बराबर, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता हूं। और इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं, ए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो मैं वेहिकुलर बोल सकता हूं, वेहिकुलर, करेक्ट। और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा मैं, उसको बोल सकता हूं मैं यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, परफेक्ट, मैं यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता हूं। तो हाउ कैन वी क्लासिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कैन क्लासिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वी कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज पीपीटी विजिबल टू एवरीवन, यस और नो? Okay, you are writing in chat box. Yes, sir, it is visible. Done. Thank you. So, अभी चल। अब मैं traffic characteristics का चालू करता हूँ। सबसे पहले हम transportation क्या होता है वो समझ के लेते हैं। तो देखो, transportation की बात करूँ मैं, तो what is transportation? Correct? अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, डेफिनेशन, नो नीड टू राइट दिस, जो चीज लिखना रहेगा मैं जबरदस्ती लिखवाऊंगा, भले तुम लिखो नहीं लिखो, जो चीज नहीं चाहिए मैं नहीं लिखवाऊंगा, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस टर्म्स, बस उतना ही चाहिए देखो। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड, करेक्ट। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू मूव पीपल एंड गोज एफिशिएंटली, बराबर, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेकेंड वन, it should be efficient. Efficient in terms of what? In terms of safety, in terms of fast, comfortable, convenient, economy and environmentally comfortable. ये नहीं कि आपने रोड बना दिया उसमें पब्लिक सेफ है ही नहीं, तो वो रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कुछ मतलब ही नहीं है, करेक्ट। सो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम लोग चार पांच सिस्टम में बता सकते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस ऑल टर्म्स, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, बराबर। लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो हाईवे एंड रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करूं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वाटर की बात करूं इनलैंड एंड कोस्टल ओशन, एंड पाइपलाइन की बात तो ऑयल गैस और अदर्स, ये सब कुछ आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका नाम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग? Traffic engineering is completely a new branch of engineering and has grown with the increase in traffic in recent years. बराबर, we are studying traffic engineering. फिर उसके बाद management पढ़ेंगे ना, पहले तो traffic ही पढ़ेंगे।
बराबर। तो ट्रैफिक इंजीनियर कंप्लीटली एक नया ब्रांच है, किसका? इंजीनियरिंग का। इट इज नॉट अ सब ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बराबर। आप बोलते हैं नया ही ब्रांच है, पूरा अलग ही ब्रांच है, बराबर, जो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। क्यों हुआ है बड़ा? ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक फ्रॉम रिसेंट ईयर्स, बराबर। रिसेंट ईयर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। एज द रेगुलर ट्रैफिक इंक्रीजेस, ओके, एज द रेगुलर ट्रैफिक इंक्रीजेस, द कंजेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकम हैम्पर एंड सेफ एन एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, मोर एंड मोर एक्सीडेंट आर कॉज्ड एंड सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ पार्किंग एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिगेन टू फेल, बराबर। ये सब बहुत जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ने लग गया, एंड देयरफॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग आल्सो गॉट इंक्रीज्ड। सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रैफिक एंड स्टार्टेड मैनेजिंग इट, बराबर। सो क्यों नेसेसरी क्यों है? इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू गिव increasing attention to the operational characteristics of highway transportation and study all the need of better geometric design. इसके लिए ये जरूरी है। capacity, intersection characteristics, regulation, traffic signals, assigning signals, designing signals, designing the marking on the road. That's why and providing a parking facilities, street lights on the traffic road. बराबर? इसके लिए as the population increases, traffic got increased. As the traffic got increased, various types of problems started. So, the intention of studying the traffic engineering is to maintain the flow of traffic, to design the geometric, to do the geometric design, to design the parking facilities, road marking, street lights, ये सब के लिए हम लोग we are studying this topic, that is traffic engineering. Clear है? Should I proceed further? Okay. Traffic engineering is a branch of engineering which deals with the planning and geometry design of street highways and operational traffic system to achieve safe, economical, conventional and efficient movement of person and goods. Write down the definition of traffic engineering. Write down the definition of traffic engineering. Write down the definition of traffic engineering. Done? Definition of traffic engineering done? Sabka ho gaya? Okay. Abdullah, aage badhu? Yes, sir. ओके, सो ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू अचीव एफिशिएंट फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक विद लीस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट। फैक्टर इफेक्टिंग ट्रैफिक, द रोड यूजर, द व्हीकल, द टाइप ऑफ रोड, एनवायरमेंटल कंडीशन, बराबर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक फ्लो के लिए, बराबर। जैसे रोड यूजर, अगर कोई पर्सन है, ही हैज कंज्यूम सम अल्कोहल एंड ही इज ड्राइविंग ऑन द रोड, डेफिनेटली इट विल इफेक्ट the traffic flow. Second, type of vehicle present on the road, वो भी ज्यादा important है,
टाइप ऑफ रोड, कच्चा रोड है, पक्का रोड है, रिजिड रोड है, पेवमेंट रोड है, कौन सा रोड है। एनवायरमेंटल कंडीशन, विंड स्पीड, फॉग कंडीशन, बराबर, वो सब कुछ भी इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड पैसेंजर डिस्टेंस आर नोन एज रोड यूजर, दे आर ह्यूमन बीइंग एंड इज इफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स, वो लोग इफेक्ट करते हैं बहुत सारे मेनी फैक्टर्स की वजह से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकेंड। Okay, students. If I'm talking about road user characteristics, so road user characteristics can be classified into physical, psychological, or environmental. अगर physical बात करूँ, तो human being, vision, hearing, strength, जो भी रहेगा, और reaction time, that is PIV theory. Okay. Psychological बात करूँ, fearness, anger, attitude, ये सब कुछ count हो जाएगा. बराबर? And environment की बात करूँ, तो roadside feature, atmospheric condition, ये सब कुछ important रहेगा. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ये चार्ट बना के लो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स बना के ले लो। Done? चलो, शुड आई प्रोसीड फर्दर? ओके, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज अ इंपॉर्टेंट टर्म नोन एज पीआईवी थ्योरी। तो पीआईवी थ्योरी क्या होता है? सपोज कोई आदमी या ड्राइवर और यूजर इज ड्राइविंग अ कार, इन फ्रंट ऑफ इट वो क्या करेगा, ही विल ऑब्जर्व कि कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या फिर कोई व्हीकल आ रहा है, मुझको फर्स्ट लेन से सेकंड लेन जाना है, आई वांट टू स्टॉप द कार, आई वांट टू स्टार्ट द कार, इन शॉर्ट व्हाइल ड्राइविंग जो दिमाग उसका यूज होगा, जो डिसीजन यूज होगा, जो मेंटेलिटी सोचेगा, दैट थियोरी इज नोन एज पीआईवी थियोरी। बराबर, तो पीआईवी थियोरी का जो फुल फॉर्म है, परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्चुअल टाइम, इमोशन टाइम, वायलेशन टाइम, एंड साइंटिस्ट ने वो पीआईवी थ्योरी को कुछ ऐसा डायग्राम में डिनोट किया है। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज ह्यूमन ब्रेन। बराबर, पहले उसको स्टिमुलेशन होगा, फील होगा, तुरंत वो उसके दिमाग में जाएगा। बराबर, जाने का जो टाइम लगा, दैट इज नोन एज परसेप्शन टाइम। जहां पे वो डिसीजन बनाएगा, व्हाटएवर डिसीजन ही इज टेकिंग दैट ड्राइवर, इज नोन एज इंटेलेक्चुअल टाइम। बराबर, फिर उसके बाद वो रिटर्न दिमाग से जब इधर आएगा, उसको बोलते हैं इमोशन टाइम, एंड लास्ट में जो अप्लाई करेगा, दैट इज वायलेशन टाइम। तो जो तीन चीज काम करता है पीआईवी, दैट इज परसेप्शन टाइम,
इंटेलेक्चुअल टाइम, इमोशन टाइम एंड लास्ट में जो अप्लाई किया गया दैट इज नोन एज वायोलेशन टाइम। बराबर। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईवी थियरी के लिए, आईएमपी है ये डायग्राम। ओके, ये डायग्राम बहुत आईएमपी है पीआईवी थियरी के लिए। बराबर। सो पीआईवी थियरी क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू परस्यू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज परसेप्शन टाइम। Intellection time, time required for the driver to understand the situation, that is known as intellection time. Time elapsed during emotional sensation, बराबर। जैसे वो time छूट गया उसका, उस decision ले ही नहीं पाया, थोड़ा fail हो गया, तो उसको बोलते हैं emotion time, that is time elapsed during emotional sensation. And last है violation time, time taken by the driver for the final action, that is braking, बराबर। एक best example लेते हैं, अगर सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ सामने महेश आ गया, बराबर। मैंने महेश को देखा, वो मेरा परसेप्शन टाइम आया, मैं क्या हो रहा है, महेश सामने आ गया, वो मेरा इंटेलेक्शन टाइम हो गया। महेश को उड़ा दो कि महेश को नहीं उड़ाओ, बराबर, वो मेरा इमोशन हो गया। अगर मैं इमोशन में आ गया, नहीं उड़ाऊंगा, बराबर, या मैं गुस्से में आ गया, नहीं मैं उड़ा दूंगा, दैट इज माई इमोशन टाइम, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, करेक्ट। एंड लास्ट में ब्रेक अप्लाई कर दिया एंड आई सेव महेश, बराबर, दैट इज माय वायोलेशन टाइम। पीआईवी थ्योरी के चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग। अच्छा, टोटल रिएक्शन टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 सेकंड, मतलब शुड बी बिटवीन 0.5 टू 3 टू 4 सेकंड, मतलब इन शॉर्ट स्टैंडर्ड टाइम जो था 2.5, देखो नीचे लिखा दिया सही था 2.5, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते पीआईवी के उसमें 2.5 रिएक्शन टाइम रखा जाता है, स्टैंडर्ड है, गेट लेवल तक ये क्वेश्चन आता है हर बार। ओके, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस वन, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, परसेप्शन टाइम, इमोशन टाइम, वायोलेशन टाइम, बराबर। तो प्लीज नोट डाउन द पीआईवी थियरी, ये डायग्राम ड्रॉ करके ले लो एंड आफ्टर नोटेशन प्लीज लेट मी नो। आफ्टर ड्रॉइंग यू हैव टू राइट पीआईवी थियरी के बारे में लिखना। हाँ कंफर्म है, मेरे को नोटिस आया, हाँ मैं बताता हूँ कैसे। डन हो गया लिख के अब्दुल्ला, यस सर। स्टार्ट राइटिंग दिस ऑल टर्म्स ये होने के बाद मेरे को बता दो। Start writing these all terms, okay? ये लिखने के बाद मेरे को बता दो।
हो गया लिख के, बाकी है ओके डन ओके अच्छा ये लैग डिस्टेंस जो बोला था ना मैं इमोशन, तो क्या होता है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज लैग डिस्टेंस, बराबर। मतलब क्या, ये देखो अगर एक कार है सीइंग द डेंजर उसको लेंगे परसेप्शन टाइम, फिर जब तक वो सोचेगा द टाइम इज द रिएक्शन टाइम, और जब उसने ब्रेक लगाया तो उसको बोलते ब्रेकिंग टाइम, और फिर कार जाके रुक जाएगी, बराबर। तो वही रिएक्शन टाइम इधर एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ूंगा मैं, वही सेम चीज को मैं अगर पीआईडी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, कार यहाँ पे थी तब ड्राइवर ने देखा, विजिबल हुआ उसको, बराबर, फिर उसने आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट में एंड डिसीजन ऑन एक्शन, तो ये पूरा टाइम था सर, डिसीजन डिस्टेंस या पर टाइम बोलूंगा मैं, करेक्ट, दिस इज नोन एज डिसीजन डिस्टेंस और पर टाइम बोलूंगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ूंगा मैं, उसने जो एक्शन लिया that time is known as action distance या action time, बराबर। तो ये distance side model रहा था, so in short what is traffic characteristics, it is nothing but traffic characteristics in two categories, user characteristics and vehicular characteristics। पहला हमने देखा user characteristics, user characteristics is followed by physical, psychological, mental। अगर मैं physical, psychological, mental को divide करूँ तो PIV theory के थ्रू explain कर सकता हूँ मैं। थ्योरी आपने देखा परसेप्शन टाइम, इंटरेक्शन टाइम, इमोशन टाइम और वायलेशन टाइम, तो ये सब कुछ आ जाता है उसके अंदर पीआईवी थ्योरी के अंदर, करेक्ट। कुछ नहीं, वही चीज को डिटेल में लिखा है जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ, वही चीज देखो ना, व्हीकल कैरेक्टर से रोड कैरेक्टर ह्यूमन बींग से, वही चीज है। अगर रोड यूजर कैरेक्टर से इसको और डिटेल में बात करूं मैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, तो देखो उसको क्लासिफाई करोगे आप परमानेंट और टेम्पररी में। परमानेंट के अंदर आप बोलोगे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल आ जाएगा, और टेम्पररी क्या होता है, अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया, ड्रग्स कंज्यूम किया, वर्कलोड आ गया, इलनेस हो गया, फैटिक हो गया, एंगर हो गया, दैट ऑल कम्स अंडर टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो इतना मैंडेटरी नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ नोटबुक, मेरे को अच्छा दिखा, ये खन्ना इन्वेस्टो में था तो मैंने फोटो लेके डाल दिया, करेक्ट, बट जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। देन रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में चालू करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा हम लोग वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके एवरीवन। यस ऑल ऑफ यू पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब, आज के लिए बस इतना बहुत हुआ, डन। अभी फर्स्ट डे ठीक है इतना, फिर नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स अभी आगे भागेंगे फटाफट, डोंट वरी, बिकॉज ये ट्यूटोरियल सेशन था, मैंने लेक्चर ले लिया उसको, तो लेक्चर में एक ही और रखा रखता हूँ, डन। और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग थोड़े थोड़े ट्यूटोरियल सेशन भी चालू कर लेंगे इसके ऊपर, मीन्स असाइनमेंट्स और ये ट्यूटोरियल्स थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्विंग। यस पीपीटी मिलेगा महेश, बट अभी नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, बिकॉज थोड़े चेंजेस करते करते टाइम लगेंगे, तो पकड़ के चलो 10 दिन, जब ये जब तक ये मॉड्यूल खत्म नहीं होगा, जो कि ऑलमोस्ट 8 आवर्स का मॉड्यूल है, मतलब पकड़ के चलो कि आप After 15 to 20 days, you will get this whole PPT. Because यही PPT को मैं continue करके edit करते रहता हूँ बार बार. Okay, Mahesh? You will get the PPT from the Moodle. Then, no need to join for the second session. बस वो आज के लिए.
बराबर, नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा वी विल कंटिन्यू। ये स्टूडेंट्स का नाम है ना, कोई एक जन स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो ना प्लीज यार, मैं मोबाइल से ले लेता हूँ, मैं फोटो ले लेता हूँ।